आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? चलिए कुछ लोग जुड़ने दीजिए, फिर बात करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, यानी ग्लैंड कौन सा है, बताइएगा आप लोग। आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? अगर नहीं हो तो बता दीजिएगा चैट के माध्यम से। चलिए ये सर वॉइस आ रही सर। हाँ तो बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड या ग्रंथि कौन सा है? आप लोगों से थोड़ा सा रैंडम टेस्ट लिया जा रहा है। और एक सवाल लिखिएगा, इसका आंसर भी बताइएगा। हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आनुवंशिकता का इकाई किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, सुसाइड बैग किसे कहते हैं, और यूनिट ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, और हम बॉडी का सर आपने कही थी लाइसोसोम्स था सर। लाइसोसोम्स। एकदम सही है। डीएनए और आंसर सर राबर्ट राबर्ट आंसर डीएनए था सर। आंसर था ये अनुवांशिकता। नहीं, डीएनए नहीं है। जेनेटिक्स, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स मतलब हमारे शरीर का जीन्स कोर। हाँ जीन, सबसे सही बताया। अब जीन, जीन है, जीन से छोटा कुछ नहीं होता है, जीन सबसे छोटा होता है। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में। और सबसे बड़ा ग्रंथि भी कौन सा है? लीवर, जिसको आप यकृत कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यकृत या लीवर में होता है। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका? लीवर है। तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी कीजिए, कैसे होगा। सर रटने चलिए का कोई तरीका बता दीजिए सर। रटने का नहीं, उसको रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा। रटेंगे तो याद नहीं होंगे। अब क्या था, बचपन वाले लोग को रट सकते हैं, जो 15-16 साल तक एज होता ना उसी बच्चे रट सकते हैं, या 20 साल तक लोग रट सकते हैं। उसके बाद रटना नहीं होता, उसके बाद रिवीजन करना होता है। अब बार बार उसको
पढ़िए उसको, लिखिए उसके उसके साथ क्या होता है, हैबिचुअल होइए तभी यह याद होगा। हैबिचुअल होना बहुत जरूरी है उसको रटना। देखिए अभी जैसे एज होगा ना, इस एज में अब रटना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। अब रटने के लिए क्या था, सभी लोग रट नहीं सकते हैं, बट कुछ लोग रट सकते हैं, लेकिन एक इसका एवरेज जो चीज है वो क्या है, आप उसको रिविजन कीजिए, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं या जो भी है ना उसको खोलते कर देखिएगा। अगर पढ़ने का मन भी ना करे तो उसको क्या होता है, दूसरी कॉपी में रफ लिखते चले जाइए, तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। रिविजन बहुत जरूरी है, स्मरण बहुत जरूरी है। आप लोग देखे होंगे कि आपको पता ना कि पहले वेद को क्या होता है, कंठस्थ करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते थे, तो क्या था वो रोज क्या होता है उसका रिविजन करते थे। रटना और अलग होता है, रिविजन करना अलग होता है। रटना छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चों को रटाया जाता है, और जो ठीक उम्र के हो जाते हैं उनको क्या होता है, उनको उस चीज को रिविजन करवाना होगा। रिविजन करेंगे तो इसका सोल्यूशन हो सकता है, एक ही सोल्यूशन है रिविजन। चलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, चलिए आज यहाँ करता है, यस कुछ सर, लोग भी नहीं है, तो मैं सोचता कि आप लोग पढ़िए, कल फिर क्लास लेकर कल उत्तराखंड वाले क्लास लेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सर कल पूछेंगे, सैटरडे हाँ क्लास कल होगी सर, सैटरडे क्लास कल होगी, कल होगी, ये 2 दिन बीच में गैप था ना पूजा के कारण, यदि मैं तबियत खराब हो गया, पूजा था तो कल होगी। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट।